अभी मैं जो है वो सिल्विया एक टाउन है या असाबिलिया कहाँ है उसको स्पैनिश के अंदर, और उस वहाँ पर एक बड़ा तारीखी पैलेस है जिसको अलकज़र कहा जाता है। असल में अलकज़र मीन्स अलकसर। ये एक क्रिश्चियन बादशाह था जिसका नाम था अल पेद्रो या अल बद्रू कहा जाता था उसको, लेकिन उसका नाम पीटर था। और वो बड़ा मुसलमानों से बहुत मुतासिर था, और वो कुर्तुबा का जो किंग था उसके साथ उसकी बड़ी फ्रेंडशिप थी, और वो इतना मुतासिर था मुसलमानों से कि वो कपड़े भी मुसलमानों वाले पहनता था, अरबी लिबास पहनता था, अरबी बोलता था, अरब स्टाइल से रहता था। और वो उसने मुसलमान यहाँ पर उनको बुला कर यहाँ पर जो है उनसे इसकी तामीर कराई। हालांकि था वो खुद क्रिश्चियन, लेकिन उसने इस पूरी जो इसकी जो फन तामीर है इस पैलेस की, आप इसको देखेंगे इस्लामी तर्ज पर है। जो गार्डन नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, जो ट्री नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 300 से ज़्यादा अकसाम थी जो फूलों की और दरख्तों की, वो उसके ऊपर रिसर्च करके मुसलमानों ने क्रिएट किए थे। आज दुनिया के अंदर जितने भी आपको गार्डन ट्री नज़र आते हैं या नज़र आते हैं, पेड़ नज़र आते हैं, फूल पौधे नज़र आते हैं, उसके ऊपर पूरा मुसलमानों ने रिसर्च किया और उसने फिर ये एक बेहतरीन शानदार पैलेस जो है वो बनाया था। ये ब्लू टाइल के अंदर जो है आपको इसके अंदर बीच में देखें वो लिखा हुआ है अल्लाह, और उसके ऊपर जो है वो क्रॉस का निशान है, ऊपर बीच में देखें क्रॉस है और फिर वो अल्लाह लिखा हुआ है, और फिर उसके ऊपर हिब्रो और वो जो यहूदियों का वो है वो बना हुआ है। तो इसके अंदर वो जो लकड़ी है वो जूश ने के लगाई हुई है, और ये तामीर मुसलमानों की हुई है। और ये जो पूरा उसने ये जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके पीछे ये कि वो जो किंग था वो कहता था कि मैं तीनों मज़ाहिब का, क्रिश्चियनिटी, मुसलमान और यहूदी, उन तीनों का मैं जो है वो किंग हूँ। अस्सलामु अलैकुम, फिर इंशाल्लाह कल अगली लोकेशन पे मिलेंगे।